Yes, yes, come in. Be seated. So, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर 2012. अच्छा 2012 में किया है. अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर 2013 में भारतीय रेलवे के अंतर्गत टेक्नीशियन पद पर कार्य. टेक्नीशियन है आप? जी. क्या करते हैं, क्या काम है आपका? सर सिग्नल मेंटेनेंस का काम देखा जा रहा है. क्या होता है, कैसे मेंटेन करते हैं, क्या खराबी आती है और क्या मेंटेन करते हैं आप? जैसे सर कि सिग्नल वगैरह के मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं सर, उसमें कुछ फॉल्टिंग या शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं सर, तो जिसे देखा जाता है सर, उसे ठीक किया जाता है सर कुछ इक्विपमेंट्स के द्वारा. कहाँ पोस्टिंग है आपकी? दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत विक्रमगंज सर. अच्छा, ये कौन सा जोन में पड़ता है? जी सर पूर्व मध्य रेलवे सर हाजीपुर. अच्छा, तो बताइए अभी रेलवे में क्या क्या तकनीकी समस्याएं आप बता सकते हैं इस बोर्ड को, क्या क्या तकनीकी समस्याएं हैं फिलहाल? जी सर तकनीकी समस्याओं में तो आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी समस्याएं देखी जा रही है सर, जो हम विदेशों से या भारत की जो रेल कोच फैक्ट्री वगैरह इन सब चीज़ों से व्यवस्थित कर रहे हैं सर, लेकिन फिर भी कमियां बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं जिसके कारण हमेशा डर सा बना रहता है सर और दुर्घटनाएं होने की. रेलवे क्यों नहीं उसको ठीक करती है जो इतनी बड़ी समस्या है? जी सर. और ह्यूमन रिसोर्सेज से बड़ा तो कुछ है नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी से बड़ा कुछ नहीं है, तो रेलवे इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? सर दिया जाता है, लेकिन सर वो जो पीछे का एक 2015 में जो देवराय कमेटी आई थी सर, उसने भी सर अपना रिपोर्ट में पेश किया था, तो उसमें बताया था सर कि संसाधनों की कमी है सर, और जो लोग मानव संसाधन हमारे हैं उसमें भी कमी है, इसको भी भरा जाना चाहिए. और कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिसे कि प्राइवेट सेक्टर को भी देने चाहिए, फिर भी उस पर काम चल रहा है सर और आगे बेहतर हो पाएगा सर. अच्छा अच्छा, तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहला चॉइस क्या दिया? सर बिहार पुलिस सर्विस. बिहार पुलिस सेवा. जी सर. क्या कारण है कि आपने प्रशासन को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया? जी सर. और सर ये सेवा चुनने से के कारण चुनने के पीछे सर बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कहना चाहेंगे सर बचपन से सर मेरा रुझान सर जो है वर्दी प्रतिष्ठा सम्मान और साहसिक कार्य करने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाला भी रहा सर, और इस सेवा में यदि आते हैं तो सामाजिक सुरक्षा सर शांति सौहार्द और भाईचारे को भी हम अपना सामाजिक दायित्व की तरफ पूरा कर सकते हैं सर, और मेरे स्वभाव से थोड़ा सा रिलेट करता है सर, तो मुझे लगता है कि क्या आपके स्वभाव से रिलेट करता है मतलब? ये सर वही साहस और कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करने की जो खुशी ये रहती है सर. तो मिलिट्री में भी जा सकते थे, बॉर्डर पे जा सकते थे आप, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी लड़ सकते थे. जी सर. हाँ सर वो भी सेवा सर बेहतर नहीं है सर, लेकिन मैं कुछ उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाया सर, कोशिश किया था सर. अच्छा अच्छा, कोशिश किया था. जी सर. तो बिहार पुलिस सेवा में अगर आपका सिलेक्शन होता है जी सर, तो क्या लगता है आपको कि जो समस्याएं हैं बिहार में पुलिस की छवि है या पूरे देश में जो छवि है जी सर, उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगता है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप भी एक बदनाम छवि में शामिल हो जाएंगे? हाँ सर, ये पूरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी छवि वैसी है सर, कुछ इंडिविजुअल्स लोग होते हैं या हो सकते हैं जिनके वजह से डिपार्टमेंट में कुछ छवियाँ ख़राब हुई हैं सर, उसके बावजूद भी इसमें सुधार किए जा रहे हैं सर. हाल फिलहाल में जो देखे जा रहे हैं सर कम्युनिटी पुलिसिंग, जो कि समुदाय और समाज स्तर पर लोगों को ये करने के लिए, और भी जो यदि हम सेवा में जाते हैं तो हमारी भी प्राथमिकता ये रहेगी सर समाज में लोगों से ज़्यादा जुड़ाव हो सके सर, एक ऐसा माहौल बन पाए सर कि जो थाना सिस्टम है जिसके अंदर मुझे DSP मिलेगा सर, लोग आए थानों में और अपने कंप्लेंट को लिखवाएं, तो वहाँ पर आधारभूत संरचनाओं के साथ ये और देखा जा रहा है कि पुलिस विभाग में पुलिस लाइन में बहुत सारे तरह के अपराध क्राइम इंटरनल लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा कहीं कहीं पुलिस जो पुलिसकर्मी है उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है. दो समस्या है इंटरनल, इन दोनों को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे?
जी सर, ईओ का सर रिपोर्ट जो आया था सर, उसमें एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रत्येक लाख एक लाख पर लोगों पर 222 पुलिसकर्मियों की जरूरत है, जो कि भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है सर, केवल मणिपुर में छोड़कर, कि जहाँ 222 लोग पूरे हों सर, बाकी जगहों पर 200 औसत है सर, 198 के लगभग सर, और बिहार में ये आंकड़ा 100 से भी नीचे है। और भी देखे जाते हैं सर, 16 घंटे से ज़्यादा लगातार लोग काम करते हैं सर, 14 दिन के बाद एक दिन रेस्ट मिल पाता है, तो ऐसी स्थितियाँ में मानसिक दबाव होता है सर। एक रिपोर्ट और भी आई थी सर कि जो पुलिसकर्मी अपने फैमिली वगैरह के साथ रहते हैं सर, तो उनकी प्रवृत्तियाँ जो होती है वो सामाजिक भावना की तरह होती है सर, जुड़ पाते हैं उन लोगों से, तो कहीं ना कहीं सर ये दबाव मानव संसाधन की कमी कही जा सकती है सर। कुछ अत्याधुनिक जो हथियार वगैरह हैं जो कि पुराने पड़ चुके हैं, ये सब चीज़ों को दुरुस्त करना होगा सर। और भी सर जो ये कमेटियों का रिपोर्ट है सर, मालीमत कमेटी हो या सर 2006 में जो प्रकाश सिंह की जो सिफारिश पर जो आयोग पुलिस आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं सर, उन सबको लागू करने पर मुझे लगता है कि सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से बदलाव हो सकता है सर। अच्छा, आपने हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया है जी सर, तो फिर सब्जेक्ट आपने LSW क्यों रखा? जी सर, ऐसा नहीं था सर, हिंदी लिटरेचर में रुचि नहीं थी सर, लेकिन इसके साथ ही सर मुझे दो तीन चीज़ों को ध्यान दिए सर, साधन संसाधन सर, रुचि और प्रशासन में कुछ इन विषयों का भी यूज हो, तो मुझे लगा कि सर श्रम एवं समाज कल्याण बेहतर है सर, और साथ ही सर कुछ नया लर्न करने सीखने की भी प्रवृत्ति। क्या सीखा इसमें, श्रम विधान पे ज़्यादा आपने फोकस किया या सोशल वेलफेयर पर? सर दोनों सेक्टर अपने आप में बेहतर है सर, और बिहार में कार्य करने के लिए इसमें स्कोप है सर। मुझे सर सामाजिक समस्याओं पर भी थोड़ा सा विशेष सर मेरा झुकाव रहा सर। बिहार में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं आप देखते हैं? जी सर, सर भिक्षा वृत्ति है सर, और मद्यपान भी था जो भी सर अभी तो अवैध किया गया, फिर वेश्यावृत्ति है सर, ये जो प्रमुख समस्याएं हैं सर जो भी समाज की को ये करता है सर। फिर इसके बाद महिलाओं से जुड़े, ठीक है, रेलवे में आप हैं जी सर, क्या चीज पोस्ट है आपका? और सर सिग्नल मेंटेनर में सर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह के अगर कार्यों का बंटवारा करें जी सर, तो कुछ दो टेक्निकल कार्य बताइए, दो नॉन टेक्निकल कार्य बताइए रेलवे। जी सर, टेक्निकल कार्यों में कहा जाए सर तो सर सिग्नल मेंटेनेंस का काम किया जाता है सर, और भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह के लोग हैं सर, तो उनको कहा जा सकता है, जबकि नॉन टेक्निकल वर्क के अंतर्गत सर आपके जितने भी सर क्लर्क होते हैं सर, बाबू और स्टेशन मास्टर नॉन टेक्निकल के अंतर्गत होते हैं सर। रेलवे में हम देखते हैं कि बोगी के नीचे भैकम रहता है जी सर, वो क्या चीज़ रहता है, उसका क्या उपयोग है? जी सर, और भैकम एक तरह से यदि गाड़ियों को सब ब्रेक लगाया जाए तो रुकने के लिए एक तरह से सर निर्वात बनाया जाता है सर, जिससे कि जो जितना ओरिजिनल जो वेट है बोगियों का उससे कम हो सके, और गाड़ियों को रोकने के लिए सर जो हम ब्रेक लगाते हैं उस पर थोड़ा सा हार्ड ये पड़ेगा सर, लेकिन भैकम जब हम तोड़ते हैं सर तो गाड़ियाँ रुक जाएंगे सर। भैकम तोड़ते हैं से क्या था पहले? सर उसको ब्रेक करना यानी कि खोल देना सर, भैकम से सर तत्पर्य ये है कि सर कि वो ऐसा एक क्षेत्र होता है जहाँ पर हवा ना हो, चूँकि पूरी तरीके से खाली हो सर। जैसे अगर इंजन में ब्रेक लगाते हैं जी सर तो गाड़ी रुक जाती है जी सर, तो उसमें भैकम का क्या योगदान है? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, आप और हिंदी साहित्य से हैं? हिंदी साहित्य पढ़े हो, अभी आपने कहा कि हिंदी साहित्य में रुचि नहीं है, तो फिर पढ़ा क्यों उसे? सॉरी सर, नहीं रुचि की बात कहें सर, रुचि उसमें भी थी सर, और श्रम एवं समाज कल्याण में भी मुझे लगा कि बेहतर रहेगा सर। अच्छा, साहित्य क्या है? सर सबके हित को ध्यान में रखकर जो रमणीय शैली में रचनाएँ की जाती है सर, उसे साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो साहित्य में तो बहुत सारी ऐसी रचना है जो भयावह है जी सर। सर
जी सर, ये सब भयावह हो सकता है सर। अच्छा ये बताइए, आदिकाल क्या है? कालखंड यदि डिवाइड करने की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सर 1050 से 1375 के बीच में किया था सर। ये काल सर जो कवि थे सर, जो साहित्यकार उस समय के थे, वो राज दरबारों में रहे सर और राजाओं की चारधारिता किए सर और उनके वीरगाथा को भी लिखे सर। इस काल को कुछ साहित्यकार जो कि सर आलोचक है सर, उसको वीरगाथा काल भी कहते हैं और कुछ लोग रीति काल भी कहते हैं सर। रासो साहित्य क्या है सर? रासो साहित्य सर वही तात्पर्य जो कि उस काल में लिखी गई जो साहित्य थे या कविताएं थे, एक महिमा मंडन किया गया सर किन्हीं भी लोगों का, जो कि अधिक से अधिक उसे सर उसे प्रमाणित नहीं किया गया पूरी तरीके से, वो अनुश्रुतियों पर ही बनी रही सर। आदिकाल के कुछ प्रमुख रचनाएं बताइए। जी सर, पद्म सर चरी, पृथ्वीराज रासो सर, और सर विद्यापति का नहीं सर रचना है? जी सर, सर उनकी विद्यापति की सर पदावली है सर, कीर्तिलता कीर्ति पता का। चलिए मध्यकालीन भारत में आइए, भक्ति काल काफ़ी प्रसिद्ध है जी सर। हिंदी साहित्य का सबसे बेहतरीन काल कौन सा माना जाएगा सर? भक्ति काल को ही कहा जाता है, जिसमें कि सर तीन रस सर समाहित माने जाते हैं सर, जिसमें भक्ति रस भी है सर, वात्सल्य रस भी है सर। सर भागवत रस हिंदी साहित्य के बारे में कहा जाता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है जी। कौन कहे थे इसको? जी सर, सर रामचंद्र शुक्ल साहब कहे थे। नहीं, रामचंद्र शुक्ल तो नहीं कहे थे, सॉरी सर। आधुनिक काल को क्या आप महत्व नहीं देते हैं? नहीं सर, आधुनिक काल को भी महत्व है हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिया जाता है सर। और ये काल शुरू होता है सर 1918 सर प्रेमचंद युगीन काल से सर, या द्विवेदी युग से कविताओं से, और इसी में सर जो मुख्य हिंदी है जो सर के अभी हमारे सामने है सर, उस हिंदी का विकास आधुनिक काल से ही माना जाता है, क्योंकि प्राचीन हिंदी से सर अवभट और पाली प्राकृत भाषाओं से एक स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है सर। आधुनिक काल किससे शुरुआत होता है? प्रेमचंद उसके बहुत प्रेमचंद तो बहुत बाद में आया आधुनिक काल के बाद जी सर, 1858 से माना जाता है। खरी बोली का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है खरी बोली? खरी बोली सर दो भाषाओं के मेल से बना सर एक भाषा है सर, जिसमें कि सर अवधी और सर राजस्थानी भाषाओं का मेल होता है। आधुनिक काल में एक बहुत महान नाटककार हुए जी सर, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल जब प्रारंभ हो रहा है उस समय वो मध्यकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच के माने जाते हैं, और उन्होंने खरी बोली जो आज हमारे वर्तमान में हिंदी प्रचलित उसे खरी बोली वो बोला जाता है जी सर, उसकी उन्होंने प्रारंभ किए। नाम आज याद है आपको कौन है सर? जितना सुन पा रहे हैं सर जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना है? अच्छा रीति काल किया सर, आदिकाल के बाद का जो काल होता है सर उसे रीति काल में सर बांटा गया है सर। ये हिंदी का एक सब उद्भव कालों में से सर दूसरा काल है सर, और इसका सेशन जो होता है सर 1375 के बाद। तो रीति काल क्यों इसका नाम दिया गया? प्रेमचंद के बारे में आप बहुत बता रहे थे, तो प्रेमचंद की ऐसी क्या खासियत है तुमने कथा सम्राट कहा जाता है? जी सर, उन्होंने उस समय के तत्कालीन और सामाजिक घटनाओं का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया सर। उस समय जो स्थितियां थी समाज में और ब्रिटिशर्स का जो उन पर जो दबाव था जो उस समय के समाज पर, उसके साथ ही जो कि समाज में और भी बुराइयाँ थी सर, जैसे कि
दहेज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद रामचंद्र शुक्ल है, रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने भी अपनी कविता और कहानियों में जो कि लिखा है काफ़ी सचिव बन उठे। तो प्रेमचंद में ऐसी क्या बात है कि उन्होंने कथा सम्राट उन्हें कहा जाता है? और सर सभी लोग सभी लोगों की रचनाएं अपने में बेहतर रही हैं सर। और जहाँ तक प्रेमचंद की बात कही जाए तो उन्हें उन्हें सर आधुनिक हिंदी साहित्य में सर उनके रचनाओं को सर उनके कथा को या उपन्यास सम्राट करने के जो पीछे कारण है सर एक जो युग विभाजन की तरह काम किया है सर। प्रगति बात का नाम सुना है जी सर? क्या है? जैसे कि सर राजनीति में सर मार्क्सवाद और लेनिनवाद ने स्थान लिया सर, एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया सर, वैसे ही सर हिंदी साहित्य में भी प्रगतिवाद को स्थान दिया गया सर, जिसमें कि सर पहले जो अनुभव पर अपने स्वानुभव के हिसाब से काम किए जाते थे सर। प्रयोगवाद के बारे में जानते हैं जी सर? वो क्या है जी सर? ये प्रगतिवाद के बाद आया इस आई स्थितियाँ आए सर क्योंकि देश की आज़ादी के बाद सर इसमें सर प्रयोगवाद को रखा गया सर, जिसमें कि सर पहले जो रचनाएं की जाती थी सर उसे प्रगतिवाद के अंतर्गत रखी जाती थी, जिसमें कि कहा जाता था कि अपने अनुभव या अपने किसी अन्य आधार पर की कविताएं लिखी जाएंगी, लेकिन जबकि प्रयोगवाद में सर प्रयोग किए गए नए नए प्रयोग किए गए सर, अनुभव को तो रखा ही गया सर और प्रैक्टिकल चीज़ों। प्रयोगवाद के कोई महान साहित्यकार जी सर? सर पहला तार सप्तक, उसमें तार सप्तक तो प्रकाशन था जी सर, सात कवियों का, उनके जो सबसे प्रमुख साहित्यकार कौन थे? बालकृष्ण मिश्र सर एक याद आता है। चल ठीक है, आपका हॉबी क्या है? कुछ फिल्में देखो। कौन सी फिल्में देखना? और जो कुछ अर्थपूर्ण फिल्में जैसे हिस्ट्री से रिलेट करती हूँ या थाट से जुड़ गई हैं क्योंकि जीवन जन से भी जुड़े। अच्छा, फिल्में जो हैं हमारे मतलब समाज को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? जी फिल्मों के बारे में कहा जाए मैम तो फिल्में जो होती हैं समाज का को एक आईना की तरह देखा जा सकता है और उसके दोनों एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं। पहले जो फिल्में बनती थी वो कहीं ना कहीं समाज को बेहतर और स्थिति में समाज को लाई थी सर, और समाज में जो बुराइयाँ थी जो अच्छी चीज़ें थी उसको दिखलाया गया, लेकिन अब हाल फिलहाल में कुछ देखे जा सकते हैं कि जो कि ट्रेंड बदला है जिसमें कि व्यवसाय ने ज़्यादा स्थान लिया है, अभी समाज पर कुछ इसके गलत इम्पैक्ट भी पड़े हैं। मेरा यदि वीकनेस कहा जाए तो कभी कभी मुझे लगता है, हमेशा नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि हम किसी चीज़ को देख ऐसी भयावह स्थिति हो या कंडीशन हो जहाँ पर हम संवेदनशील हो जाते हैं तो उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कैसा मतलब अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे आपका वीकनेस कैसे मतलब काम करेगा? जैसे कि कोई ऐसा कंडीशन जहाँ पर एक्सीडेंट बड़े हो गए हो या बहुत सारा नरसंहार हो गया हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं। जैसे कि रेलवे में है, हम लोग देखते हैं जो कभी एक्सीडेंट्स वगैरह बड़े एक्सीडेंट या दो लोगों की तीन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा सा विचलित होते हैं, मतलब करना थोड़ा सा समझना वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ पाता है। लेकिन जब पुलिस सेवा में पाएंगे तो बराबर इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जी सर, कैसे आप काम कर पाएंगे? और नहीं सर जितना कहें सर हमेशा नहीं सर, कभी कभी हो जाते हैं वैसे जो दर्दनाक बहुत खतरनाक टाइप के जो ऐसे कैसे। अच्छा, बिहार के DGP कौन है? सॉरी सर, पटना के SSP कौन है? विक्रमगंज में पोस्टिंग है या विक्रम में? विक्रमगंज सर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सर। तो वहाँ के SSP कौन है? सर हर नारायण राय सर। कंफर्म है? सही, हरि नारायण सर, राय साई इंस्पेक्टर DSP सर या SDPO फिर सीनियर DSP सर, ASP SP
SSP, DIG, IG और DGP से। तो DIG और IG का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है, क्या कहलाता है वो? सर DIG का कार्य क्षेत्र सर और रेंज होता है, जबकि सर IG का सर जोन। तो सीनियर DSP आपने बताया, ऐसा कोई पोस्ट है क्या, हायरार्की में है क्या? जी सर, जितना सोच पा रहे हैं सर, सीनियर DSP या DSP के बाद कोई सर एक ASP होता है। जी सर, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।